अभी या मैं अभी बता के आपको हटाऊँ कि मैं चैम्बर से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। 2010 में सेक्रेटरी था, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। 3 एकड़ जमीन मैंने चैम्बर्स के लिए बनवाई है, बढ़वाई थी। 2 एकड़ जमीन थी जो 3 एकड़ जमीन बढ़ करवाई है। आगे मैं मुझे चैम्बर्स किस तरीके से करने पूरा मुझे पता है कि किस तरीके से आगे इसमें बढ़ना है पूरा। काम आ सके जो भी कैंडिडेट उनका अच्छे से काम आ सके उसी को वोटिंग करें, मेरी यही अपील उनसे अपील। मुकाबला किससे मानते हैं अपना भैया? ये तय तो जो है अधिवक्ता करेंगे कि वो किसको आगे करते हैं किसको पीछे करते हैं। मैं तो फर्स्ट नंबर पे अपने आप को ही मान रहा हूँ, बाकी सेकंड नंबर कौन रहेगा ये हमारे अधिवक्ता तय करेंगे। अच्छा, एक चैम्बर का जो मुद्दा है वो लंबे समय से चला रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी या? मैं अभी बता के आपको हटाऊँ कि मैं चैम्बर से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। 2010 में सेक्रेटरी था, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। 3 एकड़ जमीन मैंने चैम्बर्स के लिए बनवाई है, बढ़वाई थी। 2 एकड़ जमीन थी जो 3 एकड़ जमीन बढ़ करवाई है। आगे मैं मुझे चैम्बर्स किस तरीके से करने पूरा मुझे पता है कि किस तरीके से आगे इसमें बढ़ना है पूरा जोर लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा नए अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाने के लिए। न्याय प्रक्रिया में करप्शन और देरी पर क्या कहेंगे? न्याय करप्शन और देरी पे मैं पूरा ताकत मेरा पूरा फोकस रहेगा कि जो करप्शन अधिकारी हो करप्ट अधिकारी हो उसको मैं पूरे उसका विरोध करूंगा और हमारे अधिवक्ताओं का समय से काम हो। हर जजेस जो है समय से अपनी सीट पर बैठे, 10 बजे बैठे 5 बजे तक काम करें, कोई भी किसी तरीके से किसी हिरासमेंट ना करें, वहाँ ऐसा ना होगा भीड़ लगा रहे और मिसलेंस में बढ़ता रहे, तो उसको पूरा में ध्यान रखा जाएगा। अधिवक्ता साथियों को क्या संदेश और अपील करना चाहते हैं? अधिवक्ता साथियों से मैं अपील यही करूँगा कि वो अपना निर्णय जो मत का जो निर्णय लें वो बिल्कुल सोच समझ कर लें और ऐसे कैंडिडेट को करें जो तुम्हारे साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो और आगे भी वो खड़ा रहेगा। मैं यही अपील करूँगा कि वो अपने निर्णय सही से अपने मत का प्रयोग करें।